अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका निमो किचन में। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से आलू और कीमे के कटलेट्स कह लें, टिक्की कह लें या कबाब कह लें, जो मर्जी कह लें। यहाँ पर 130 ग्राम मैंने कीमा लिया है, एक स्मॉल साइज़ का प्याज लिया जिसे इस तरह से चॉप कर लिया, एक ग्लास साइज़ की हरी मिर्च ली है उसे भी इस तरह चॉप कर लिया है, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है। ये सारी चीज़ें होगी। और स्पाइसेस में हम लोगों ने यहाँ पर 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक लिया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और धनिया पाउडर दोनों मिक्स हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं। और यहाँ पर 8 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं जिसे बॉईल करके रख लिया था, 1 टीस्पून नमक चाहिए है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर चाहिए है, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स चाहिए, एक स्मॉल साइज़ की मैंने हरी मिर्च ली है जिसे चॉप कर लिया है। नमक हम लोग आलूओं में भी ऐड करेंगे, आलू के मिक्सचर में भी ऐड करेंगे और कीमे में भी ऐड करेंगे, तो आप ज़रा स्पाइसेस देख के ऐड करिएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कढ़ाई में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ये देखें जी, हमने इसमें ये 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ये कीमा ऐड कर रही हूँ, ये कीमा हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए जी, यहाँ पे 1 से 2 सेकंड में कीमे का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, कीमा जो है वो अपने ही पानी में पक जाएगा, हमें मज़ीद एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग कवर करके इसे कुक होने के लिए रख देते हैं 2 से 3 मिनट तक। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। एक बड़े बर्तन में हम लोग ये सारे बॉइल्ड आलू ऐड कर देंगे। अब हम लोग इस तरह से मैशर की मदद से आलुओं को मैश कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए जी, सारे आलू को हम लोग ऐसे अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए जी, यहाँ पे जो आलू हैं वो सारे अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। अब हम लोग इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। ये स्पाइसेस इसमें अभी हम ऐड कर रहे हैं, स्पाइसेस डाल के इन आलुओं को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, इस तरह से हम लोग स्पून की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे स्पाइसेस को, ताकि जो सारे स्पाइसेस हैं वो आलुओं के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का जो है वो मैंने हरा प्याज चॉप करके रखा है, वो इसमें हम लोग मिक्स कर लेंगे। देखिए जी, आलू के मिक्सचर में इस तरह से, आप चाहें तो हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। अब हम लोग कीमे को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक, जब तक हम लोगों ने आलूओं को मिक्सचर ठीक करके रखा है, यहाँ पर जो कीमा है वो भी अच्छे से जो है वो गल चुका है। अब हम लोग इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देते हैं। यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया है कीमे में, अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें जी, इस तरह से आप लोग आलुओं को बॉयल करके रखें और उसका जो ऊपर से स्किन है वो उतार दें। उसके बाद जो टोटली 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है और ये जो कटलेट्स हैं ना, ये मज़ेदार से बन के रेडी हो जाते हैं। अब हम लोग इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। ये देखें जी, ये सारे स्पाइसेस हमने ऐड कर दिए। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कीमे को स्पाइसेस के साथ। ये देखें जी, अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स 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 मिक्स। ये देखें जी, ये जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से मिक्स हो रहे हैं कीमे के साथ। अब हम लोग इसमें ये प्याज ऐड करें, साथ ही हम लोग इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। और अब हम लोग इसे कवर करके कुक होने के लिए रख देंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि जो प्याज हैं वो ज़रा सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, स्टफिंग हमारी यहाँ पर कम्प्लीटली बन के रेडी है। अब हम लोग इसे प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखें जी, अब हम लोग इसे ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर स्टफिंग ठंडी हो चुकी है, आलू का मिक्सचर भी हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं जी, कटलेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा आलू का जो मिक्सचर है उसे इस तरह से हाथ पे लेंगे और एक सर्कल बना लेंगे। इसे अभी हाथ की मदद से इस तरह से प्रेस करेंगे, इसे बड़ा कर लेंगे प्रेस करके इस तरह से। अब हम लोग इसमें कीमे की स्टफिंग करेंगे इस तरह से। अब कॉर्नर्स जो है वो आस्ता आस्ता से ऊपर लेकर आएंगे और इस तरह से इसे प्रेस कर देंगे और इसे बंद कर देंगे, इस तरह से सील कर देंगे इसे। ये देखें जी, इजीली हो जाएगा। ये देखें जी, इस तरह से हम लोगों ने आराम आराम से इसे प्रेस करना है और ऊपर से बंद कर देना है और फिर वापस एक परफेक्ट सा सर्कल बना देंगे इस तरह से। ये देखिए जी, यहाँ पे कटलेट जो है वो हमारा बन के रेडी हो चुका है। इसी तरह हम लोग सारे कटलेट्स बना के रेडी कर लेंगे और इसे डिश में रखते जाएंगे। ये देखिए जी, यहाँ पे मेरे 7 कटलेट्स बन के रेडी हुए हैं और थोड़ा सा जो है वो आलूओं का मिक्सचर बच गया था, तो 3 मैंने सिंपल कटलेट्स बना लिए। अभी इसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक अंडे को मैंने फेंट के रखा है इस तरह से। अभी हम लोग एक एक वन बाय वन एक एक कटलेट उठाते जाएंगे और इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर तवे पे तकरीबन मैंने 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है और इसे अच्छे से गर्म कर लिया है। अब ये देखें जी, 1 बाय 1 इस पर हम लोगों ने कटलेट ऐड कर दिए हैं और मीडियम फ्लेम पर इसे हम लोग कुक करेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम लोगों ने एक साइड से कुक किया। अभी हम लोग इसका साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखिए जी, अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब दूसरी साइड से भी हम लोग इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कलर ना आ जाए। हम लोग इसी तरह अब सारे बना के रेडी कर लेते हैं और इसे डिश आउट कर लेते हैं।
यहाँ पर हम लोगों ने सारे कटलेट्स को जो है वो फ्राई कर लिया है। यहाँ पर मज़ेदार से हमारे कीमे और आलू के कटलेट्स जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। अब एक अंदर से मैं आप लोगों को कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, अब हम लोग इसे कट कर रहे हैं। ये देखें जी, अभी अंदर से मैं दिखाती हूँ। ये ले जी, यहाँ पे मज़ेदार से कीमा कटलेट्स जो हैं वो हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग घर में कीमा बनाते हैं तो वो लेफ्ट ओवर बच जाता है, तो इस तरह से आलू बॉईल करके आप लोग बीच में कीमे की स्टफिंग कर सकते हैं, चाहे तो चिकन की भी स्टफिंग कर सकते हैं। आप इन कटलेट्स को सरप्राइज कटलेट्स का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं कि आलू का समझ के उठाते हैं और जब खाते हैं तो अंदर कीमे या चिकन की स्टफिंग होती है, तो वो बहुत ही सरप्राइज और अच्छा सा लगता है। तो जनाब, इस रमज़ान इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो साथ में बेल करने से जरूर प्रेस करें, इससे आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।